हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों गणित के महत्वपूर्ण चैप्टर समाकलन के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा दोस्तों, जो कि पहले से पूछे गए हैं दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप दोस्तों इस क्वेश्चन को लास्ट तक देखोगे तभी आपको दोस्तों समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम दोस्तों इसी टाइप पर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना। कितने भी दोस्तों आप मैथ में दोस्तों कमजोर, तो बिल्कुल दोस्तों ये समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल समझ में आया दोस्तों। ये समाकलन का दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों यह पार्ट 3 वीडियो है दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो पहले से एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों, और दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन है दोस्तों इसी टाइप पर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर दोस्तों। पहले दोस्तों चैनल पर पाले हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करें दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर दे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। अगर इसका बेसिक वाला वीडियो नहीं देखो दोस्तों समाकलन का यानी कि फॉर्मूले का दोस्तों, वहां से भी जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, sin x * cos x थीटा बराबर दोस्तों 1 होता है। ये सब लोग दोस्तों क्लास 10 में पढ़े होंगे। sin थीटा * cos x थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। यानी कि दोस्तों sin x * थीटा बराबर दोस्तों 1 होता है। अभी यहां पर दोस्तों 1 दिया गया है तो थीटा के सापेक्ष दोस्तों 1 का समाकलन करेंगे तो थीटा आएगा दोस्तों, थीटा प्लस के आएगा या सी आएगा। लेकिन दोस्तों क्यों हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों वन थी थीटा दिया गया तो दोस्तों यहाँ पर एक्स भी रहता, दोस्तों यहाँ पर एक्स रहता तो यहाँ पर दोस्तों एक्स प्लस सी समाकलन होता। अगर दोस्तों यहाँ पर हमारा जेड रहता, ठीक है, जेड रहता तो जेड प्लस सी होता। क्यों दोस्तों, तो जो एंगल दिया गया यहाँ पर दोस्तों उसी के सापेक्ष में हम एक का समाकलन करते हैं। यानी कि दोस्तों क्या कह सकते हैं, थीटा प्लस क्यों देंगे, क्यों, तो sin x * थीटा बराबर दोस्तों जो होता है क्या होता है दोस्तों, sin थीटा * cos थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन दोस्तों थीटा का सापेक्ष क्यों हुआ, ये दोस्तों थीटा का पावर 0 करके बराबर 1 होगा। यानी कि दोस्तों जेड के पावर 0 बराबर 1 और दोस्तों वाई के पावर 0 बराबर 1। अब यहाँ पर दोस्तों 1 क्यों हुआ, तो मैंने दोस्तों एक फार्मूला बतलाता है एक्स के पावर दोस्तों एक्स के पावर एन बतलाता है। यानी कि दोस्तों एक्स के पावर एन प्लस 1 और बटा में दोस्तों एन प्लस 1 प्लस सी जोड़ दीजिए। अब यह दोस्तों एन प्लस 1 कहाँ से आए दोस्तों, तब यहाँ पर थीटा का पावर 0 आए तो दोस्तों थीटा का पावर 0 प्लस 1 बटा में दोस्तों 0 प्लस 1 प्लस सी। यानी कि दोस्तों थीटा बन गया बट पावर 1 हो गया प्लस सी हो गया। यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट, जो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों दिया गया है थीटा प्लस की। दोस्तों sin x * cos x थीटा 1 होता है, लेकिन दोस्तों 1 का समाकलन जब करेंगे थीटा के सापेक्ष तो दोस्तों थीटा का पावर 0 बराबर दोस्तों 1 होता है। वहीं 1 यहाँ पर है दोस्तों, जब पावर जोड़ेंगे तो थीटा बन जाएगा दोस्तों, एक क्या बनेगा समाकलन में थीटा बन जाएगा, थीटा प्लस की हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। आई होप दोस्तों आपका वीडियो बिल्कुल समझ में आया। दोस्तों अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना दोस्तों। समझ में नहीं आता है तो समझने की कोशिश की, बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए दोस्तों sec स्क्वायर बटा दोस्तों cosec स्क्वायर दिया गया। यहाँ पर दोस्तों क्लास 10 का फॉर्मूला का यूज होगा दोस्तों, sec स्क्वायर बटा cosec स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों sec स्क्वायर जो फॉर्मूला आता है वह दोस्तों 1 बटा cosec स्क्वायर का होता है। cos स्क्वायर का दोस्तों x का फॉर्मूला होता है दोस्तों, किसका, 1 बटा cosec, ठीक है दोस्तों, cos स्क्वायर बटा में दोस्तों जो दोस्तों cosec होता है वह दोस्तों 1 बटा sin स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो बिल्कुल समझ में होंगे, ये दोस्तों 1 बटा cosec है वो दोस्तों sec स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, और दोस्तों 1 बटा दोस्तों sin स्क्वायर है वो दोस्तों किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर के। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, ये दोस्तों ऊपर जाएगा तो sin बटा cosec स्क्वायर देंगे, sin स्क्वायर बटा cosec स्क्वायर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, sin स्क्वायर x बटा में दोस्तों cos स्क्वायर x हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसका दोस्तों क्या दिया गया, तो समाकलन दिया गया। अब इसका दोस्तों जो मान होता है sin बटा cos का वो tan में होता है, लेकिन दोस्तों स्क्वायर दिया तो tan स्क्वायर देंगे। यानी कि दोस्तों tan स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, tan स्क्वायर x हो देंगे, और tan स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता है दोस्तों, तब यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लास 10 में पढ़े होंगे दोस्तों tan स्क्वायर x बराबर पढ़े होंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, ये दोस्तों क्लास 10 में पढ़े होंगे, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो समाकलन sec स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए क्या करने जा रहा हूँ, sec स्क्वायर का समाकलन दोस्तों क्या होता है, sec स्क्वायर का समाकलन tan x होता है, ठीक है, tan x होता है। और यहाँ पर दोस्तों 1 का समाकलन x के सापेक्ष जो होगा दोस्तों वो माइनस x हो जाएंगे, और दोस्तों प्लस सी जोड़ देंगे। देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों दिया है, tan
टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया है, देख करके दोस्तों बता सकते हो कौन सा ऑप्शन दिया गया है। टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्यों दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों पूरा प्रोसेस हमारा दोस्तों टेन स्क्वायर एक्स के रूप में आता है। इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन दोस्तों, इसका समाकलन दोनों का दोस्तों, इसका जो समाकलन होता है वो दोस्तों टैन होता है, ठीक है, टैन होता है दोस्तों, और एक का समाकलन दोस्तों एक्स के सापेक्ष माइनस एक्स होता है, और प्लस सी जोड़ दीजिए दोस्तों, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जो है दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो बेसिक वाला वीडियो देखना दोस्तों, यानी कि फॉर्मूले वाला प्ले लिस्ट दोस्तों बनाए, वहाँ से देखो दोस्तों बिल्कुल समझ में आने लगे। पहले ये भी वीडियो दोस्तों देखिए, समझने की दोस्तों कोशिश की, बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आता तो प्लेलिस्ट में जाकर के शुरुआत से दोस्तों समाकलन का वीडियो देखते देखिए। अगर दोस्तों गहराई में जाना चाहते हो दोस्तों तो शुरुआत से दोस्तों यानी कि डिफरेंशिएशन से वीडियो देखने की कोशिश की दोस्तों, वहां से समझोगे तो समाकलन बिल्कुल बनने लगेंगे। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों बता सकते हो इसका जो राइट आंसर होंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन दोस्तों शब्दों में व्याख्या नहीं है दोस्तों मेरे पास, ठीक है। वन प्लस कॉस टू एक्स दिया गया, वन प्लस कॉस टू एक्स दिया गया, तो अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए कॉस टू एक्स दिया गया दोस्तों, लेकिन इसका राइट आंसर होंगे दोस्तों वो क्या होंगे। लेकिन दोस्तों इलेवेंथ में फॉर्मूला में पढ़ोगे दोस्तों वन प्लस कॉस टू एक्स बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, क्या होता है सब लोग बताइए चैट में आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। सभी लोग हैं जो चैट में आंसर कीजिए दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो पाला से दोस्तों, पाला से है तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएंगे दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, पाला से दोस्तों तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, क्या होंगे दोस्तों टू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, क्यों दोस्तों टू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएंगे दोस्तों, वन प्लस कॉस टू एक्स हो जाएंगे, और दोस्तों माइनस में रहता है अगर दोस्तों, क्या रहता है माइनस में रहता है ये दोस्तों जो प्लस दिया गया ये माइनस में रहता तो क्या हो जाता, तो माइनस में रहता दोस्तों तो टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाता, क्या हो जाता टू साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों प्लस दिया गया तो मैं दोस्तों प्लस को ही मानूंगा दोस्तों, क्या मानूंगा प्लस को ही दोस्तों मानूंगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर प्लस को ही मानूंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा छोटा कर लेते थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं किसका यूज करूंगा तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर किसका यूज करूँगा तो प्लस वाला का यूज करूंगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का आंसर दोस्तों प्लस दिया गया है तो प्लस का यूज करूंगा दोस्तों, यानी कि इसका दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर होता है दोस्तों, टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब यही फॉर्मूला का दोस्तों यूज करूंगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए टू कॉस स्क्वायर लिख दिया दोस्तों एक्स, ठीक है ये तो दोस्तों लिख दिया, लेकिन अंडर रूट दिया गया, लेकिन अंडर रूट दिया गया दोस्तों, अंडर रूट का मान वन बटा टू होता है जो कि टू से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो रूट दिया गया दोस्तों उसका मान वन बटा टू होता है, और वन बटा टू में दोस्तों दो से गुनाएगा तो ये काट जाएगा, यानी कि दोस्तों जो स्क्वायर दिया गया ये दोस्तों कैंसिल कर देगा रूट को, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं टू टू कॉस एक्स हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है टू कॉस एक्स हो जाएंगे, तो दोस्तों टू यहाँ पर अचर पद है यानी कि कॉन्स्टेंट है, जैसे बाहर कर देंगे। अब इससे दोस्तों बाहर करेंगे दोस्तों तो ये रूट रह जाएगा इस पर, क्यों दोस्तों तो दोस्तों स्क्वायर से काटा था, रूट से दोस्तों नहीं काटा, टू नहीं काटा था दोस्तों, क्यों इस पर स्क्वायर नहीं था इसलिए नहीं काटा था, रूट को बाहर कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर कॉस एक्स था, ठीक है तो कॉस एक्स लिख दिया, कॉस एक्स डी एस लीजिए, इसका दोस्तों समाकलन कीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों दिया गया है, तो दोस्तों कॉस एक्स का जब समाकलन हम करेंगे तो साइन एक्स प्राप्त होगा, यानी कि दोस्तों रूट साइन एक्स, ठीक है दोस्तों प्लस सी, देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया रूट साइन एक्स प्लस सी, मेरा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, देख सकते हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। आई होप बिल्कुल आपको समझ में आया दोस्तों, इतनी इजी वे में बताया हूँ कि बिल्कुल आपको दोस्तों समझ में आना ही चाहिए, अगर नहीं समझ में दोस्तों तो समझने की कोशिश किया करो, बिल्कुल आसान है। चलिए दोस्तों ई के पावर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डी एक्स दोस्तों यहाँ पर कर रहा है, ठीक है तो इसका दोस्तों बहुत ही ईजी ट्रिक है, क्या ट्रिक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों पहले ध्यान दीजिए जो मैं सेटिंग करूँगा वही सेटिंग को दोस्तों आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पर दोस्तों लॉग को पहले ले लाए दोस्तों, क्यों ले आए तो समझने की कोशिश की है साइन एक्स, ठीक है दोस्तों ये था दोस्तों पहले ले लेंगे, अब बाद में प्लस कॉट एक्स लिख दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए ये दोस्तों ई के पावर एक्स है, ठीक है ई के पावर एक्स है, इसके लिए दोस्तों फार्मूला का जब भी दोस्तों समाकलन आएगा इसके पहले दोस्तों ई के पावर एक्स लगेगा, और यहाँ पर दोस्तों लॉग एक्स लगेगा, और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या दोस्तों, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स रहेगा, यानी कि दोस्तों लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉट एक्स होता है दोस्तों, कह रहे हैं कि लॉग एक्स का दोस्तों जो लॉग साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉट एक्स होता है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि क्यों होता है, तो मैं करके भी दिखलाऊंगा दोस्तों, प्रूफ दिखलाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं दोस्तों, प्रूफ दिखलाऊंगा। लॉग एक्स का दोस्तों जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉट एक्स होता है, अभी बताऊं तो दोस्तों क्यों होता है। तो लॉग का दोस्तों जब डिफरेंशिएशन आप करोगे दोस्तों, लॉग साइन एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे दोस्तों, तो पहले लॉग का लोगे दोस्तों, लॉग के लोगे तो लॉग साइन एक्स होगा दोस्तों, ठीक है डी एक्स होगा,
तो दोस्तों लॉग साइन एक्स और dx हो रहा है किसके सापेक्ष में, तो दोस्तों किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे दोस्तों, तो ये लॉग दोस्तों वो लॉग नीचे करेगा दोस्तों एंगल में रहेगा, यानी कि दोस्तों 1/cos हो जाएंगे, 1/cos होंगे दोस्तों, ठीक है। एक बार दोस्तों साइन क्या करेंगे, ठीक क्या दोस्तों, 1/sin हो गया दोस्तों, सॉरी 1/sin हो गया दोस्तों, क्यों, तो एंगल में दोस्तों लॉग का जो एंगल होता है दोस्तों लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन दोस्तों 1/x होता है, यानी कि एंगल वाला नीचे चलाता है, वही दोस्तों 1/sin हो जाएंगे दोस्तों, ये जो लॉग में देगा ये एंगल में दोस्तों साइन देगा तो नीचे आएगा साइन, ठीक है। तो बिल्कुल समझने की कोशिश की, बिल्कुल समझ में आएगा, तो साइन हो गया दोस्तों, साइन का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, क्यों, तो साइन एंगल में दिया गया, यानी कि साइन का दोस्तों चैन रूल चलता है, यानी कि दोस्तों साइन का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस आएगा, तो दोस्तों कॉस बटा साइन देख सकते हो ये टैन हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी कॉट हो जाएगा, क्या देंगे दोस्तों, कॉट हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रूफ निकला कि कॉट है दोस्तों, ये कॉट जो है दोस्तों लॉग एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन है, यानी कि दोस्तों e के पावर x और दोस्तों लॉग लिखे थे पहले, ठीक है, तो लॉग लिखे थे और दोस्तों एंगल में साइन एक्स और प्लस कॉट लिखे थे दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोस्तों e के पावर लॉग एक्स का दोस्तों जो डिफरेंशिएशन है कॉट दिया गया है, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है e के पावर x लिखो और दोस्तों एफ एक्स लिखो, यानी कि एफ डैश एक्स ये हो गया दोस्तों, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन है तो एफ एक्स लिखो, और एफ एक्स का काम दोस्तों यहाँ पर लॉग साइन एक्स कर रहा है, यानी कि दोस्तों e के पावर एक्स लॉग एक्स प्लस साइन दोस्तों कौन सा ऑप्शन देगा, देख सकते हो कौन सा ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन नंबर में देगा दोस्तों e के पावर एक्स लॉग लॉग दोस्तों साइन एक्स प्लस सी दोस्तों, देख सकते हो ऑप्शन नंबर में दिया गया दोस्तों, नए समझ में दोस्तों ध्यान दीजिए, ये दोस्तों डिफरेंशिएशन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का करो तो कॉट एक्स प्राप्त होगा, यानी कि दोस्तों ई के पावर डिफरेंशिएशन तो जिसका दोस्तों दिया गया है, यानी कि दोस्तों कॉट का दिया गया है, तो ये दोस्तों एफ एक्स हुआ दोस्तों, यानी कि एफ डैश एक्स हो गया, यानी कि ई के पावर एक्स लिखेंगे फिर एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है, यानी कि एफ एक्स दोस्तों लॉग दिया गया, क्या दिया गया, लॉग दिया गया है और एंगल में साइन एक्स है तो प्लस सी दोस्तों जोड़ दीजिए, कौन सा ऑप्शन में देगा, तो मेरा दोस्तों ऑप्शन नंबर में दिया गया जो किसका कैरेक्ट जो है दोस्तों, आई होप बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, e के पावर दोस्तों लॉग x दिया गया, यानी कि e के पावर लॉग x दिया गया दोस्तों, अब यहां पर ध्यान दीजिए, e के पावर लॉग x दिया गया, क्या दिया गया दोस्तों, e के पावर लॉग x, इसका दोस्तों जो मान होता है दोस्तों वो x के बराबर होता है, e के पावर लॉग x का जो मान होता है दोस्तों वो x के बराबर होता है दोस्तों, x के बराबर दोस्तों, अगर ये दोस्तों याद रखोगे तो समझिए दोस्तों 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव दोस्तों प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, साथ में दोस्तों ऑब्जेक्टिव के साथ साथ दोस्तों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी कवर होता जा रहा है दोस्तों, आपको मालूम नहीं होगा लेकिन मैं दोस्तों कहता हूं, दावे के साथ तो आपका 2 नंबर भी कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, बाद में पता चलेगा दोस्तों जब 2 नंबर का वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो e के पावर लॉग x का दोस्तों जो मान होता है वो x होता है, क्यों, तो एंगल जो रहेगा दोस्तों वही मान हो जाएगा, e के पावर में दोस्तों जो लॉग है ये दोस्तों एंगल में दिया गया वही इसका मान हो जाएगा, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो कौन सा मान हो गया, यानी कि दोस्तों x का समाकलन करना है, तो x का समाकलन करना है, यहां पर दोस्तों 1 पावर देगा, तो समाकलन में दोस्तों मैंने बताया था कि दोस्तों जिसका पावर दोस्तों 1 रहेगा, जैसे z के पावर 1 का, तो z के पावर 1+1 दोस्तों और +1+1, ठीक है दोस्तों, यानी कि z²/2 हो जाएंगे, z²/2+ हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन हमारा दोस्तों x के फॉर्म में दिया गया, इसका दोस्तों जो मान आएगा दोस्तों वो x आएगा, यानी कि दोस्तों x का समाकलन हमें करना है, तो दोस्तों नहीं समझ में तो समझने की कोशिश की है दोस्तों, प्लीज यहां पर वीडियो को छोड़ के मत जाइए, x²/2+ हो जाएंगे दोस्तों, किसका है दोस्तों x का समाकलन, यानी कि दोस्तों 1 पावर जुटा है यहां पर दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहां पर y रहेगा दोस्तों, y का समाकलन करने को कहेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है y का समाकलन, तो कुछ नहीं करना है, y के पावर में 1+1 करना है, प्लस में दोस्तों 1+1 करना है, प्लस जो नहीं है कि y²/2+ जो है, यानी कि दोस्तों x के फॉर्म में दिया गया है, तो x+x/1+1+c, अब दोस्तों देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में देगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जो किसका करेक्ट जवाब है दोस्तों, आइए बिल्कुल आपको समझ में आया दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आपको बिल्कुल समझाने की, तो आप दोस्तों कायर ना बने, वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखा करो दोस्तों, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछा करके देख लिया करो दोस्तों, नहीं समझ में तो भी नहीं आता है तो कमेंट करके बताया करो दोस्तों, मैं बिल्कुल समझाने की दोस्तों बेसिक नॉलेज से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए 6 नंबर दोस्तों, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ दिया गया, ठीक है, टैन एक्स का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो लॉग होता है दोस्तों, मॉड ऑफ sec x प्लस सी होता है दोस्तों, देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, लॉग दोस्तों होता है, sec x प्लस सी होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया गया है, जो कि इसका करेक्ट जवाब होंगे दोस्तों, क्या होंगे, करेक्ट जवाब बनेंगे tan x का दोस्तों समाकलन होता है, लेकिन दोस्तों tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों tan x का जो हो जाएगा log sec x प्लस हो जाएंगे दोस्तों, ये दोस्तों पहले से एग्जाम में पूछेंगे, एडवांस क्वेश्चन कह सकते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके बिना समाकलन अधूरा है दोस्तों, ये भी दोस्तों cosec स्क्वायर का जो समाकलन होता है दोस्तों, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा गया है, यानी कि दोस्तों माइनस cot x प्लस सी होंगे दोस्तों, क्या होंगे, माइनस cot x प्लस सी होंगे दोस्तों, किसका दोस्तों डिफरेंशिएशन सॉरी समाकलन, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा माइनस cot x प्लस सी का हो जाएंगे दोस्तों, देख सकते हो
ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जो किसका करेक्ट जो है दोस्तों, आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, प्लीज जाकर के ऑल चैप्टर का दोस्तों मैंने प्ले लिस्ट बनाया था दोस्तों इस वीडियो का देखने के बाद, प्लीज जाकर के देख लेना दोस्तों। आप कह रहे ये दोस्तों मैथ का वीडियो नहीं समझ रहे दोस्तों, तो आप जरूर मैं दोस्तों हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखो दोस्तों, 100% गारंटी है दोस्तों सभी वीडियो को देख लोगे तो दोस्तों पक्का गारंटी है। ये दोस्तों वीडियो जो देख रहे हो दोस्तों, वीडियो दोस्तों देखने से पहले दोस्तों आप आंसर को कमेंट दोस्तों कर दो, यानी कि दोस्तों पहले ही वीडियो को सॉल्यूशन करने से पहले वीडियो को पोस्ट करके आप दोस्तों आंसर पता कर लोगे, इतना दोस्तों आपके पास दोस्तों हुनर हो जाएगा दोस्तों वीडियो को देखने के बाद। मैं पूर्ण गारंटी तो दोस्तों 100% गारंटी देख रहा, मैं पक्का कह रहा हूँ दोस्तों, एक बार स्टडी करके देख लेना ठीक है दोस्तों, मैं 100% कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ दोस्तों, आप पसंद वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना। चलिए दोस्तों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो आप कौन सा फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है। जी हाँ दोस्तों वन तो होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या ध्यान देना है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया गया है जी ठीक है। हाँ दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करेंगे, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए वन दोस्तों इस तरफ के दिया गया ठीक है, वन प्लस दोस्तों साइन स्क्वायर लिखेंगे ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप आँख मूंद के देखते जाइए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका दोस्तों जो मान होता है वो वन ही होता है दोस्तों, जो कि वन यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो दिया गया ठीक है दोस्तों, वन दिया गया, लेकिन दोस्तों मैंने फार्मूला बैठाने के लिए ऐसा किया ठीक है, तो आप लोग दोस्तों नाराज मत होना ठीक है। तो एक्स लिख दिया दोस्तों, अब प्लस साइन टू एक्स लिख दिया ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट समझ होंगे या एजुकेशन लेक्चर के सभी स्टूडेंट समझ होंगे मैंने साइन टू एक्स क्यों लिखा दोस्तों, साइन टू एक्स स्क्वायर नहीं है, साइन टू एक्स होता है। और क्लास इलेवन में पढ़े होंगे दोस्तों, क्या पढ़ोगे, टू साइन ए इंटू कॉस से, टू साइन ए इंटू कॉस से जो फार्मूला होता है वो किसका फार्मूला होता है, तो दोस्तों साइन टू ए का फार्मूला होता है, तो ये दोस्तों जो फार्मूला है वही यूज करूंगा साइन टू एक्स की जगह। तभी ध्यान दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस मत खोजिए दोस्तों आपसे लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग पेशेंस नहीं खोइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करूँगा, तो टू साइन ए इंटू कॉस ए, अब ये दोस्तों जो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, तो आप सब लोग ध्यान देंगे, यानी कि दोस्तों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ठीक है दोस्तों, बाटा में दोस्तों क्या दिया, तो ए स्क्वायर, यानी कि दोस्तों साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर नहीं, पहले साइन एक्स प्लस कॉस, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया दोस्तों, क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये दोस्तों रूट है, ये जो रूट है दोस्तों वो दो से कैंसिल कर जाएगा, क्या कर जाएगा दोस्तों, कैंसिल कर जाएगा दोस्तों। समझ में नहीं आया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को मत छोड़िए, यहाँ पर दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, मेहनत के बिना दोस्तों आपको सफलता दोस्तों नहीं आएगी, तो दोस्तों मेहनत कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, ये दोस्तों जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ ये दोस्तों काट जाएंगे ठीक है, ये दोस्तों किससे, रूट से दोस्तों काट जाएंगे, तो अब दोस्तों साइन एक्स बटा कॉस एक्स बढ़ देंगे, ये दोस्तों था ये सुफरा साफ हो गया दोस्तों रूट का, ये सुफरा साफ कर दिया मैंने दोस्तों रूट का ठीक है। ये दोस्तों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गए, यानी कि दोस्तों क्या मेरे पास बचा, क्या बचा दोस्तों, तब ध्यान दीजिए वन बचेगा, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा कॉस साइन प्लस कॉस एक्स कटेगा तो वन बचेगा दोस्तों, यानी कि वन डी एक्स हो जाएंगे, और वन डी एक्स का सभी स्टूडेंट जानते हैं वो एक्स प्लस के इसका समाकलन होता है ठीक है दोस्तों। एक्स प्लस के होता है, क्यों होता है, तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों एक्स के पावर जीरो का जो समाकलन होता है वो एक्स होता है, क्या होता है दोस्तों एक्स होता है, यानी कि एक का जो समाकलन होगा दोस्तों वो एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक डी एक्स का जो समाकलन होगा वो एक्स प्लस हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दोस्तों। मैं इतनी गहराई में दोस्तों आपको समझाया कि दोस्तों शब्दों में मैं व्याख्या नहीं कर सकता दोस्तों, इतना देर मैंने लिया क्यों, तो आपको समझाने के लिए दोस्तों। जब आप समझ जाओगे दोस्तों तो एक सेकंड में इसका कमेंट कर दोगे, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर से आप सोच लोगे यहाँ ये ऐसा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दोस्तों साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा तो वन हो जाएगा, यानी कि दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो वन होता है ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा जो कि रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साइन जो इसका दोस्तों जो बाटा में हो जाएगा ये वाला देगा, ये कैंसिल होगा तो एक्स प्राप्त वन प्राप्त होगा, और वन का दोस्तों जो समाकलन होता है वो सभी लोग हमारे स्टूडेंट जानते हैं एक्स प्लस के हो जाएंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर में जाएगा जो कि करेक्ट जो होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए दोस्तों ये प्रॉपर्टी जाए, ये दोस्तों समाकलन का प्रॉपर्टी जाए, यानी कि प्रॉपर्टी ये याद रखोगे दोस्तों तो पाँच नंबर का क्वेश्चन कवर होगा।
पांच नंबर के साथ साथ दोस्तों एक नंबर और दो नंबर और पांच नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कवर होगा दोस्तों। तो आने वाले एयरफोर्स का एग्जाम भी दोस्तों आपके लिए बहुत हार्ड भी नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोस्तों प्रॉपर्टीज है, किसका प्रॉपर्टीज है दोस्तों, सब लोग सोच रहे हैं किसका प्रॉपर्टीज है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का प्रॉपर्टीज है। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया ए से लेकर के दोस्तों जीरो तक लोअर लिमिट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो और लिमिट दिया गया दोस्तों जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ए से लेकर के दोस्तों क्या जीरो से लेकर देखते एफ ए माइनस एक्स हो जाएंगे, एफ यानी कि दोस्तों फंक्शन है ए माइनस एक्स हो जाएंगे दोस्तों जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जो किसका करेक्ट जो है दोस्तों 16 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चले दोस्तों ये क्वेश्चन इतना ही क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बताएं, रेगुलर स्टूडेंट तो पक्का कहते बता ही देंगे, मुझे पूरा ग्रांट है दोस्तों सभी लोग बतला ही देंगे इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स का समाकलन, तो एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटा टू प्लस सी दोस्तों यह इसका राइट आंसर होगा, लेकिन प्लस सी नहीं जुटेगा दोस्तों, क्यों? ये दोस्तों निश्चित समाकलन, दोस्तों निश्चित समाकलन क्यों है तो लिमिट जाएगा, यानी लिमिट में आता है दोस्तों उसे निश्चित कहता है, जो लिमिट है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो वो निश्चित है कि यहाँ से यहाँ तक आपको दोस्तों कहेगा कलकत्ता जाओगे तो निश्चित है कि कलकत्ता है, यानी कि लिमिट है कि कलकत्ता तक जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर निश्चित समाकलन इसीलिए दोस्तों एक्स स्क्वायर बटा टू होगा, लेकिन दोस्तों निश्चित होने के कारण यहाँ पर दोस्तों लिमिट लग जाएगा वन से लेकर के जीरो तक, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वन इसका मान रखेंगे तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, यानी कि वन का स्क्वायर बटा टू, यानी कि दोस्तों वन बटा टू देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया जो कि इसका करेक्ट जो है दोस्तों, ये दोस्तों वन पर टी प्लस सीन मत करना दोस्तों, ये क्यों नहीं ऐसी होगा तो दोस्तों अनिश्चित निश्चित समाकलन इसीलिए दोस्तों प्लस सीन है जुटेगा, यहाँ पर दोस्तों वन बटा टू ही आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जो बनेंगे। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों कि मत बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन, इसका एक फॉर्मूला दोस्तों होता है वन बटा ए टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स बटा ए और बटा ए प्लस सी दोस्तों, ठीक है उसी फार्मूले पर दोस्तों यूज करूंगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला होता है, ये दोस्तों जो फार्मूला होता है वो दोस्तों जो होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होता है दोस्तों, ठीक है यहाँ पर दोस्तों टैन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का दोस्तों फार्मूला होता है, वन बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों जो फार्मूला होता है वो दोस्तों वन बटा ए टैन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी का होता है दोस्तों, यहाँ पर ए स्क्वायर दिया गया है तो ए स्क्वायर तो 16 का काम करेगा, यानी कि 4 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर दोस्तों काम करेगा वो एक्स स्क्वायर का काम ही करेगा, तो वन बटा ए अब यहाँ पर ए का काम कौन करेगा दोस्तों 16 है, यानी कि दोस्तों वन बटा ए यानी कि 16 का दोस्तों बाकी 4 हो जाएंगे, यानी कि सभी में 4 लग जाएंगे दोस्तों, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर दोस्तों वन बटा ए टैन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस ई, आप सभी के जगह दोस्तों ए का मान कौन है तो 16 है, तो सभी 16 का वर्ग क्या हो जाएंगे दोस्तों 4 हो जाएंगे, देख सकते हो तो कौन सा 4 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों, वन बटा फोर ए ए यानी कि दोस्तों एक्स, ठीक है यहाँ पर 16 और दोस्तों टेन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस के, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना सेक स्क्वायर देगा तो सेक स्क्वायर का डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, टैन एक्स लिख दिए, एंगल में क्या दिया है तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दिए डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ेंगे बिल्कुल बतला देंगे दोस्तों, टैन एक्स होंगे यहाँ पर दोस्तों इसका समाकलन तो हो तो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स के साथ कौन सा गुणांक है, एक्स के साथ दोस्तों जो गुणांक है वो 3 है, यानी कि दोस्तों 3 है दोस्तों जो बाहर चलाएगा, ठीक है दोस्तों मेरा दोस्तों डिफ्रेंशिएशन का वीडियो सभी स्टूडेंट देखेंगे, रेगुलर स्टूडेंट देखेंगे वो बिल्कुल बतलाएंगे और रेगुलर स्टूडेंट ही दोस्तों कामयाब होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 1/3 है दोस्तों वो बाहर चलेगा, यानी कि 3 का दोस्तों जो एंगल है एक्स के साथ वो दोस्तों बाहर चलाएगा, यानी कि 1/3 आएगा दोस्तों, ठीक है यानी कि दोस्तों कहा जाएगा 3x+5 का यहाँ डिफ्रेंशिएशन 1/3 नीचे चलाता है, ठीक है दोस्तों देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया दोस्तों बतला सकते हो इसका राइट आंसर क्या देंगे, तो मेरा दोस्तों ऑप्शन नंबर में जाएगा जो किसका करेक्ट जवाब है दोस्तों, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा। चले दोस्तों ये इतना जो क्वेश्चन दोस्तों सभी लोग बतला सकते हो, बड़ा नंबर क्वेश्चन ऐसा करा है, बहुत इजी क्वेश्चन है सभी लोग दोस्तों बतला सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट बतला सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, ये दोस्तों एक फार्मूला होता है 2 log दोस्तों जो दिया गया है सेक स्क्वायर, ये दोस्तों जो दिया गया यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिए ये 2 है दोस्तों, ये क्यों हुआ, ये दोस्तों एक फार्मूला जो होता था log बाई का पावर x का जो फार्मूला होता था दोस्तों x log क्या होता दोस्तों बाई होता था, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 है दोस्तों, इसकी यानी कि दोस्तों हम कल्पना कर सकते हैं सेक स्क्वायर होगा दोस्तों, ठीक है ये दोस्तों 2 है जो बाहर चलेगा, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए x log a दोस्तों था, ये दोस्तों क्यों फार्मूला हुआ, ये दोस्तों एंगल में था दोस्तों, ऊपर जो पावर था वो नीचे चलाया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो पावर था वो नीचे चलाया था, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं क्या कह सकते हैं दोस्तों कि log
लॉग लॉग सेक स्क्वायर ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर एक सौ देंगे इसका समाकलन ई के पावर वाला। तो दोस्तों यहाँ पर बताए थे कि ई के पावर में जो लॉग एक्स का जो समाक जो रहेगा पावर उसका जो मान होता है ई के पावर लॉग एक्स का जो पावर होता है दोस्तों वो एक्स के समान होता है यानी कि सेक स्क्वायर के पावर बराबर होगा दोस्तों। नहीं समझ में ध्यान से समझिए ये दोस्तों जो पावर जाएगा ई के पावर लॉग इसका दोस्तों अभी फॉर्मूला बताता है ये लो जी लॉग एक्स इसका दोस्तों बताया था एक्स एंगल के इक्वल हो जाता है दोस्तों जब भी रहता है ई के पावर में ये रहता है दोस्तों ये जो एंगल रहता है दोस्तों ई के पावर में ये दोस्तों जो बराबर हो जाता है एक्स के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए एक्स के इक्वल हो गया यानी कि दोस्तों ये ई के पावर जो लॉग दिया गया है देख सकते हो सेम टू सेम यहाँ है लेकिन एंगल के बराबर हो जाएगा एंगल के बराबर हो जाएगा दोस्तों यानी कि सेक स्क्वायर का दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है तो इंटीग्रेशन पूछा है डीएक्स का है दोस्तों एग्जाम में पूछा था 18 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में तो सोच सकते हो कितना क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर जो समाकलन और टेन एक्स प्लस सी होता है जो कि ऑप्शन भी में दिया गया है इसका राइट आंसर ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। इतनी गहराई में दोस्तों इतना तोड़ तोड़ के बतलाता हूँ दोस्तों इसके लिए वीडियो को लाइक बनता है दोस्तों साथ में वीडियो को शेयर करें दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें दोस्तों ठीक है। चले ई एक इसके ई के पावर एक्स का समाकलन क्या होता है दोस्तों ई के पावर एक्स का समाकलन हो या अवकलन दोस्तों ई के पावर एक्स ही होता है सभी स्टूडेंट जानते हो दोस्तों रियल स्टूडेंट तो बिल्कुल बतला सकते हैं इतना दोस्तों मैंने रटवा रटवा के दोस्तों नहीं मैं समझा के बतलाया हूँ दोस्तों इतना भी इजी वे में बताया हूँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल कह जो जवाब नहीं दोस्तों ई के पावर एक्स का समाकलन हो या अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है दोस्तों समाकलन में प्लस सी जुड़ता है लेकिन अवकलन में कुछ नहीं जुड़ता है ई के पावर एक्स ही रहता है। तो इसे दोस्तों ध्यान रखना राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों कहता है लॉग एक्स का समाकलन तो लॉग एक्स का जो समाकलन होता है दोस्तों लॉग एक्स का जो समाकलन होता है वो 1/x हो जाता है ठीक है दोस्तों 1/x हो जाता है दोस्तों किसका समाकलन तो लॉग एक्स का जो समाकलन होता है वो 1/x हो जाता है दोस्तों देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो मेरा दोस्तों ऑप्शन नंबर में जाएगा जो कि इसका करेक्ट जो है दोस्तों लॉग एक बटा प्लस की हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो दोस्तों वेक्टर का वीडियो भी जल जाएगा दोस्तों अभी समाकलन का चला तो समाकलन कहीं आएगा। चलो दोस्तों कुछ नहीं करना तो ये पावर देगा 5 तो कुछ नहीं कर समाकलन में एक पावर जोड़ना है दोस्तों प्लस 6 जोड़ देना प्लस 6 जोड़ देना लेकिन दोस्तों नीचे समाकलन क्या नीचे सीमा दिया गया दोस्तों ठीक है लोअर डिमिनेटर दोस्तों लिमिट दिया गया ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए नीचे समाकलन दिया गया तो कुछ नहीं करना यहाँ पर दोस्तों इस तरह से करना है और यहाँ दोस्तों लिमिट लगाना है बी से लेकर के ए तक अब बी का पावर दोस्तों यानी कि एक्स का जो मार्क एक बार बी रखेंगे और माइनस में पावर माइनस यहाँ पर दोस्तों एक्स का मान भी रखेंगे माइनस में रखेंगे पहले दोस्तों पर मैंने बी का दोस्तों लिमिट रखूंगा ठीक है अपर लिमिट रखूंगा यानी कि बी के पावर 6 माइनस ए के पावर 6 और बाटा में 6 दोस्तों देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में देगा पहले से एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी में जाएगा जो कि इसका करेक्ट जवाब है दोस्तों। आई होप दोस्तों बिल्कुल आपको समझ में आया दोस्तों मैं फुल गारंटी देता हूँ पहले भी इसका आंसर करा चुका था। चलिए 4 रहे 5 रहे 6 रहे 7 रहे 8 रहे 100 रहे 1 करोड़ रहे 2 करोड़ रहे 3 करोड़ रहे दोस्तों किसी भी रहे 5 रहे तो दोस्तों 5x प्लस हो जाता है समाकलन यानी कि दोस्तों एक रहेगा तो एक रहेगा दोस्तों तो इसका जो समाकलन होगा वो x प्लस हो जाएगा यानी कि दोस्तों 4 रहेगा 4 का समाकलन पूछेगा तो दोस्तों 4 का समाकलन पूछेगा क्या पूछेगा समाकलन पूछेगा तो दोस्तों 4x प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए जब भी दोस्तों अच्छा संख्या रहेगा तो कुछ नहीं करना है प्लस x वहाँ पर दोस्तों भिड़ा देना है प्लस जोड़ देना है यानी कि 5x प्लस हो जाएंगे यानी कि दोस्तों 3 रहेगा 3 का दोस्तों समाकलन करने को कहेगा तो कुछ नहीं करना है 3x प्लस ही कर देना है यही दोस्तों ध्यान रखना है एक नंबर कंप्लीट हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर दोस्तों भी बिल्कुल करेक्ट जो है दोस्तों आई होप बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कहता है क्या कहता है ए के पावर एक्स का समाकलन क्या होता है लेकिन दोस्तों अवकलन में आपको बताया था ए के पावर एक्स एल ओ जी लॉग ए होता है इसका अवकलन लेकिन दोस्तों डिफ्रेंसिएशन इसके विपरीत होता है दोस्तों पावर में पटका जाता है यानी दोस्तों देख सकते हो कौन सा इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट करके बताइए सब लोग। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों आंसर इसका सही यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जो है दोस्तों यहाँ पर समाकलन इसका दो तरह का होता है ई का पावर एक्स लॉग ए होता है और दोस्तों एक पावर एक्स लॉग ए और यहाँ पर ई दिया है दोस्तों प्लस सी यानी कि दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जो है दोस्तों। अगर दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत किए हैं दोस्तों इतना देर तक वीडियो आपके साथ बने रहे हैं दोस्तों आपकी सफलता के लिए आपकी दोस्तों करियर के लिए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे साथ में दोस्तों बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे दोस्तों ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको रेगुलर समय पर मिलता रहे। और दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा कमेंट तो जरूर कीजिए दोस्तों हम आपके लिए इतने देर तक दोस्तों हम आपके लिए इतना दोस्तों आपकी करियर के लिए दोस्तों आपकी सफलता के लिए इतना मेहनत करें दोस्तों तो प्लीज कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को भी शेयर करना फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद वंदे मातरम।